आजकल खर्राटे आने की समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं, कफ प्रवृत्ति वालों को ये ज़्यादा तकलीफ आती हैं। ऐसे भी बहुत से लोगों को रात में सोने के समय खर्राटे की आवाज़ आती हैं, इससे वो तो भले आराम से सो जाते हैं लेकिन साथ में सोने वालों को जो है अच्छी नींद नहीं हो पाती है। इसको लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं, खर्राटे आते हैं क्या करें, या बहुत लंबी दवाइयाँ चलाते हैं कुछ लोग, दोनों गलत हैं। इसको मुश्किल से थोड़े से प्राणायाम का अभ्यास करके योग के माध्यम से हम खर्राटे को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन शैली जी सकते हैं। तो बिना किसी भूमिका के हम उन क्रियाओं को सीखते हैं जिससे हमारे खर्राटे जड़ से दूर हो सके, हमारी श्वास नली स्वस्थ हो सके, जीवन स्वस्थ रह सके। आइए सबसे पहले श्वास की क्रिया को करते हैं। दोनों हाथ को ऐसे सामने मिला लेंगे, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऐसे खोलना है, जितना आप श्वास लंबा ले सकते हैं, फिर श्वास छोड़ के हाथ को मिला देंगे। पांच बार, दस बार, पंद्रह बार, अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से। फिर दूसरी क्रिया में हाथ को लॉक करना है, दोनों हाथ सिर के पीछे, फिर ऐसे ही श्वास छोड़ के हाथ को मिलाना है, कोहनी मिलाने की कोशिश, श्वास लेके खोलना है। तीसरी क्रिया में स्प्रिंग की तरह खींचना है, दोनों हाथ सीने के सामने, श्वास लेके दोनों हाथ को खींचेंगे इसे। चौथी क्रिया भस्त्रिका के रूप में, दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ के खींचेंगे। इसके बाद शरीर को रिलैक्स छोड़कर दो चार बार लंबा लंबा श्वास ले लें। पांच मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। इसके बाद आप लंबा कर सकते हैं, नाड़ी शोधन के रूप में भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अंतिम प्राणायाम के रूप में आप उज्जायी करें, श्वास लेते हुए गले से धीरे धीरे आवाज करेंगे। जैसे कफ गले में हो उसको निकालने की कोशिश करते हैं, उस टाइप से इसकी आवाज़ आनी चाहिए, गले पर वाइब्रेशन होना चाहिए श्वास लेते समय। पाँच से दस बार इस प्राणायाम का अभ्यास करें। इतने प्रयोग से ही आपको 50% आराम मिल जाएगा। यदि आप 100% इसको जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो या तो इसके साथ में जलनेति और रबरनेति का अभ्यास करें, या योग के कुछ प्रयोग हैं, कुछ आसन हैं, किसी योगी योगाचार्य के साथ में उस चीज़ का प्रयोग करें, और रात में सोने के पहले दोनों नाक में गाय का घी दो दो बूंद जरूर डालें। मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हुआ होगा और आप इसका प्रयोग करके इस बीमारी से जल्द ही मुक्ति पाएंगे। नमस्कार।